मित्रों, कई मित्रों ने यह सवाल पूछा है, क्या ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट हिप्नोटिस्ट थे? क्या वो लोगों को सम्मोहित करके उन्हें चंगा करते थे? मित्रों, इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझ लीजिए कि हिप्नोटिस्ट शब्द का पूरा मतलब क्या है। आज के जमाने में मानव समाज को हिप्नोटिज्म के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो 100 में से 1 या 2% से ज्यादा नहीं है। आज जिसे आर्ट ऑफ सजेशन कहा जाता है, जिसके द्वारा हिप्नोटिज्म करता सम्मोहन की सूचनाएं दे के लोगों को सम्मोहित करके उनसे अपने मनचाहा कार्य कराते हैं, या स्टेज पे हिप्नोटिज्म के शो किए जाते हैं या थेरेपी की जाती है। ये हिप्नोटिज्म जो इतनी बड़ी विद्या है उसका मात्र 1 या 2% हिस्सा होगा। जो रियल हिप्नोटिज्म है वो इतना बड़ा डायमेंशन है कि उसकी पूरी समझ पाने वाला इंसान धरती का दूसरा भगवान जाना जाएगा। और ईसा मसीह जो सम्मोहन विद्या में एक उच्च महारथी थे, ऐसा मेरा पूरा मानना है। उन्होंने जो भी चमत्कार दिखाए थे उसके पीछे सम्मोहन विद्या का बहुत बड़ा हाथ था। मित्रों, खुद ईसा मसीह ने कठोर तपस्या की थी जो सम्मोहन विद्या में महारत होने के लिए बहुत जरूरी होती है, और उसके बाद उनके अंदर वो सम्मोहन की शक्ति आई थी जिसके बाद उन्होंने लोगों को चंगा करना शुरू किया था। मित्रों, ये सम्मोहन विद्या का ही एक बहुत बड़ा पहलू है कि जिससे आप जिसे चाहे उसे चंगा भी कर सकते हैं, उसकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से उसे पूरी तरह से आजाद करा सकते हैं, पूरी तरह से उसको तंदुरुस्त कर सकते हैं। मित्रों, ये चमत्कार इस तरीके से होता है कि इंसान के अंदर की जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो त्वरित जागृत हो जाती है, और उसके अंदर का जो रोग है जो कई सालों से ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसे कोई वैद्य हकीम ठीक नहीं कर पाया, उसे एक सम्मोहन करता मात्र कुछ ही क्षणों में या कुछ ही सेशंस में ठीक कर देता है। तो मित्रों, ईसा मसीह इसी तकनीक का उपयोग करते थे। ईसा ने खुद कहा है कि जो मुझे मानने वाला होगा, जो मेरा खरा शिष्य होगा, वो सब कर पाएगा जो मैं कर सिखाता था। और ईसा के बाद उनके शिष्यों में से किमोन पेत्रस, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने भी ऐसे कई करतब, कई चमत्कार कर दिखाए, और जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा प्रसार हो गया। मित्रों, आज भी इसी सम्मोहन विद्या का उपयोग करके कुछ क्रिश्चियन मिशनरी लोग अपनी इलम, अपने मजहब का प्रचार लोगों में करते हैं। उसके पीछे वो लोग हिप्नोटिज्म का ही पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, हिप्नोटिज्म के बहुत बड़े महारथी एक पवित्र आत्मा यीशु ख्रिस्त, जिनका जन्मदिन है, उनकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करता हूँ, और आप सबको यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ, और साथ ही आने वाले नए वर्ष के लिए भी आपको मंगल शुभकामनाएं देता हूँ।
सबका मंगल हो।